खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां शादी विवाह के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह सड़कों में जाम लगता है। कम जगह होने के बावजूद दोनों तरफ लोग वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते कई बार घटनाएं घटित होती हैं। इतना ही नहीं, अगर इन वाहन चालकों पर किसी भी राहगीर का थोड़ा सा भी धक्का लग जाए तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। ताजा मामला लाल गांव चौकी क्षेत्र का है, जहां बाइक से जा रहे युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। युवक जैसे ही वैवाहिक कार्यक्रम वाले घर के पास पहुंचा, तभी किसी ने कार का गेट खोल दिया और युवक सड़क में जा गिरा। युवक को उठाने की बजाय मौके पर पहुंचे 8 से 10 की संख्या में लोगों ने जमकर मारपीट किया और इतना ही नहीं, चाकू भी भोंप दिया। लेकिन पुलिस ने पीड़ित की नहीं सुनी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर युवक ने न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने क्या मांग की है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरा नाम अजय नामदेव है, पिता का नाम जगदीश नामदेव। मैं लाल गांव निवासी का रहने वाला हूं। किसी काम के कारण मैं अपने शाम 6 बजे करीब गांव से निकला था। मेरे गांव से 350 मीटर की दूरी में लक्ष्मण गुप्ता का घर था। वहां उनके घर में कोई कार्यक्रम था, जिस कारण रोड में दोनों साइड गाड़ियां खड़ी थी, जिसके अचानक कोई लाइट मारने से फाटा खोलने के कारण मेरा टकराव हुआ, जिससे मैं गिर गया। गिरने के कारण लोगों ने, वहाँ के कॉलोनी में जितने गुप्ता लोग हैं, 8-10 लोग मिल के मुझे लात घूंसों से मारा। मारने के बाद उठाया नहीं, चाकू से वार किया। चाकू का घाव ये है, आप देख सकते हैं, संजय गांधी मुझे रेफर किया गया। टाका लगी आपकी चोट? ये चाकू का ये लगा हुआ है, आंख में लगा है, यहाँ लगा है, सिर में लात घूंसों से जो बारिश हुई है। 5-6 लोग मिल के मारे हैं मुझे चौकी में। मैं 7 तारीख की ये घटना है, मैं लाल गांव चौकी उप थाना है गढ़ थाना, शिकायत मैंने 8 तारीख को की। कोई कार्रवाई नहीं, एफ आई आई में चेंजिंग हुई, जिनका नाम लिखा है उसमें से एक आदमी का नाम काटा गया। धारा कोई कमजोर लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं, इसलिए मेरे जान को खतरा है। बार बार धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना होगी, मैं पुलिस को खरीद लिया हूँ, कोई कुछ कर ना पाएगा, गवाही कौन देगा तेरे खिलाफ, तू कुछ नहीं कर सकता। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं आज मैं एसपी साहब के कार्यालय में आया हूं, अपनी शिकायत दर्ज कराने। आवेदन दे दिया हूं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है, आवेदन एक परत दे दिया हूं। मैं आरोपियों से यही चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जानलेवा हमला किए हैं, इसलिए चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले।